अगर आप ये सोच रहे हैं कि राखी सावंत को सिर्फ बैशिंग मिली है और सजा के तौर पर कुछ नहीं, तो आपको बता दूं अगर राखी सावंत ने फिर से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया तो क्या हो सकता है उनके साथ में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल सलमान खान ने बुलाया यहाँ पर राखी सावंत को थिएटर में, जहां पर उनसे कहा गया कि पराठे किस चीज के बनते हैं, बताइए आप हमें, क्या आप खिलाएंगी वो पराठे। तो यहाँ पर राखी सावंत के पास में जवाब नहीं होता। आपको याद होगा मैंने आपको अपनी पास्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने आपको कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर राखी सावंत ने कहा कि गू के पराठे जो है मैं तुझे खिलाऊंगी, चल तेरे लिए जो है स्पेशली मैं को जाना पड़ेगा फिर लेकर आना पड़ेगा। सो इस तरीके की बातें जो है वो राखी सावंत ने कई सारी की थी जिस पर हमने आपको बताया भी था। अब यहाँ पर इन सभी चीजों को लेकर सलमान खान ने अच्छी खासी क्लास तो ली है यहाँ पर राखी सावंत की। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज भी की है, जहां एक तरफ राखी सावंत से वादा लिया है इस बात का कि राखी सावंत फिर से एक बार फिर से इस तरीके की कोई भी हरकत या कोई भी चीज नहीं करेंगी, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राखी आपने इस वादे को तोड़ा या किसी भी बात को दोहराया तो बिग बॉस जो है वो मेरे आने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आपको मिड वे में ही द्वार जो है उसी समय आपके लिए खोल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब राखी सावंत को बड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, नहीं तो राखी सावंत के लिए बिग बॉस का मुख्य द्वार जो है वो अवश्य खुल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप डिसीजन को लेकर, वे राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे सारी की सारी खबरें ऑन टाइम।